मैं गिलास से काट के बनाई हूँ और इसे मैं बेल कर बनाई हूँ, इसे काटी नहीं हूँ। ये रेसिपी खाने में बहुत अच्छा है, एक बार अपने घर पर ज़रूर बनाइएगा। मैं गैस पर कढ़ाई रखी हूँ, अब इसमें 500 ml पानी रखूँगी। पानी को हमें अब उबाल आने तक इसे पकाना है। पानी गर्म हो चुका है, अब इसमें मैं 200 ग्राम चीनी डालूंगी और चीनी को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। चीनी जब गल जाएगा तो मैं इसमें डालूंगी 500 ग्राम चावल का आटा और इसे अच्छे से मैं मिक्स करके इसे पका लूंगी। चावल के आटा डालने के बाद इसे लगातार चलाते रहना है। आज जो मैं रेसिपी बना रही हूँ वो पुराना जमाना का प्रसिद्ध रेसिपी है। पहले ये हर घर में खाने को मिलता था। इसे मिक्स करने के बाद हमें गैस को बंद कर देना है। अब कढ़ाई में ही चावल को आटा को फैला देना है और इसे थोड़ा ठंडा कर लेना है। ठंडा होने के बाद एक बड़ा बर्तन में इसे निकाल लेना है और हाथों में थोड़ा सा तेल लगाकर इसे आटा के तरह सान लेना है। ये रेसिपी बनाने में बहुत आसान है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। ये देखिए, मैं इसे आटे के तरह सान ली हूँ। आटा जो मैं सानी थी चावल का, उसमें से हमें बड़ा साइज का एक लोई लेना है। अब इसे थोड़ा सा मैं गोल कर लूँगी। ये देखिए, ऐसा गोल कर लेना है। अब मैं एक चौकी ली हूँ रोटी बेलने वाला, अब इसमें मैं तेल लगा दूंगी पूरा में और बेलन में भी लगा लेना है तेल। अब लोई को हमें चौकी पर रखना है और इसे बेल लेना है। अब हमें इसे 12 साइज का बेल लेना है। मैं यहाँ पर जितना मोटा रोटी होता है उससे थोड़ा सा मोटा मैं इसे बेली हूँ। अब इसे गिलास के मदद से मैं गोल गोल काट लेती हूँ पूरी के जैसा। आप जितना बड़ा साइज का बनाना चाहते हैं उतना बड़ा साइज का आप बना सकते हैं। अब इसे मैं साइड का हटा लेती हूँ। इसी तरह से मैं थोड़ा सा और बेल लेती हूँ। उसके बाद मैं इसे तेल में फ्राई करूँगी। मैं थोड़ा सा बेल ली हूँ, अब इसे मैं तेल में छान के दिखाती हूँ। तेल हमने गरम कर ली हूँ और तेल को ज़्यादा गरम करना है और तेल को ठंडा नहीं रखना है, नहीं तो पूरी ख़राब हो जाएगा। एक एक करके पूरी मैं डाल रही हूँ कढ़ाई में छानने के लिए। ये देखिए फ्रेंड, कितना फूला फूला पूरी बन रहा है। अब इसे मैं पलट देती हूँ। फ्रेंड, आप एक बार ये वाली पूरी का रेसिपी बना के खाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और बहुत ही कम समय में बनने वाला रेसिपी है। और पहले के ज़माना में ये पूरी जो है बहुत ही फेमस था, अभी सब नामों निशान भूल गया है, लेकिन कहीं कहीं पे ये बहुत ही ज़्यादा अभी भी खाया जाता है। ये देखिए, दोनों साइड अच्छे से पक गया है और कलर इसका कितना बढ़िया आ गया है। अब इसे एक थाली में मैं निकाल लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, मैं थोड़ा सा बना के रेडी कर ली हूँ चावल का आटा का मीठा पूरी। ये मैं गिलास से काट के बनाई हूँ और इसे मैं बेल कर बनाई हूँ, इसे काटी नहीं हूँ। ये रेसिपी खाने में बहुत अच्छा है, एक बार अपने घर पर ज़रूर बनाइएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।